हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल विज्ञान गुरुजी। और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मैथमेटिक्स में मैथ स्पेशल, ठीक है, जिसमें हम नंबर सिस्टम की शुरुआत करेंगे, ठीक, नंबर सिस्टम्स की। और इस नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम नेचुरल नंबर और होल नंबर की बात करने वाले हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या की बात करने वाले हैं। और ये जो लेक्चर है वो सीटेट, यूपीटेट, बीईओ या फिर सुपरटेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सुपरटेट एग्ज़ाम्स के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम कुछ एमसीक्यूज़ की भी बातें करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्राकृतिक एवं पूर्ण संख्या यानी कि नेचुरल नंबर एंड होल नंबर, ये हमारे चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर फर्स्ट, ठीक है। आज इसका मैथमेटिक्स का डे वन है, जिसमें हम लेक्चर नंबर वन की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राकृतिक संख्या का। तो हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्या कहते हैं, ठीक है। जाहिर सी बात है, अगर संख्याओं को गिनना हो तो हम जिन चिन्हों का या फिर प्रतीकों का प्रयोग करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, गिनती की संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या को ही हम क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या, यानी कि जो स्वतः ही जहाँ से, जैसे गिनती की शुरुआत जहाँ से होती है, मतलब वो नेचुरल है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, तो प्राकृतिक संख्या इन्हें कहते हैं। याद रखिएगा, एक जो है वो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है, इससे छोटी प्राकृतिक संख्या नहीं हो सकती। लेकिन सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, जैसे मान लीजिए अगर हम कहें 100, तो अगर हम एक पल के लिए मान लें कि 100 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो क्या इसमें एक जोड़ने पे 101 नहीं मिलेगा? ये भी तो अगली प्राकृतिक संख्या हो गई। यानी कि अगर ऐसे आप जिस संख्या को कहेंगे सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, उसमें एक जोड़कर उससे अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त की जाती है। तो इस प्रकार हम कह नहीं सकते कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कौन सी संख्या होगी, यानी कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या का पता लगाया नहीं जा सकता। लेकिन सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, एक है, ठीक है। और प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अंतर कितने का होता है, एक का होता है, क्योंकि 2 में से 1 घटाएंगे 1 मिलेगा, 3 में से 2 घटाएंगे 1 मिलेगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 मिलेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, संख्या और संख्यांक। जैसे कि आया है ना कि गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्या कहते हैं और उन्हें प्राकृतिक संख्या कहते हैं। तो मेन बात आई है अब संख्या क्या है और संख्यांक क्या है। कितनी वस्तुएं हैं का जिससे बोध होता है उसे हम संख्या कहते हैं। यानी कि वस्तुओं को अगर गिनना हो तो जिससे पता चल जाए कि हमारे पास कुल कितनी वस्तुएं हैं, तो जिससे पता चलेगा वही हमारा क्या कहलाता है, संख्या कहलाता है। और संख्याओं को जिन संकेतों द्वारा व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, संख्यांक कहते हैं। यानी कि इस संख्या को लिखने के लिए जिस संकेत का प्रयोग करते हैं उसे हम संख्यांक कहते हैं। अब देखते हैं कि संख्यांक का अर्थ क्या है। तो संख्यांक का अर्थ है संख्या को लिखने के लिए प्रयुक्त अंक, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसे हम कहते हैं संख्यांक। क्या कहते हैं, संख्यांक। और इन संख्यांकों का इस्तेमाल करके जो हम नया प्रतीक प्राप्त करते हैं उसे हम कहते हैं संख्या। जैसे कि मान लीजिए 11, ठीक है, तो 11 में 1 और 1 का इस्तेमाल हुआ है, तो यानी संख्यांक तो 1 1 है, लेकिन संख्या क्या बनी है, 11। अब चूंकि 0 का जब खोज हो गया, तो जब 0 का खोज हो गया तो 0 को भी क्या कहते हैं, हम संख्यांक कहते हैं। क्यों, क्योंकि 0 का इस्तेमाल करते हैं हम संख्या को बनाने के लिए। जैसे कि 10, ठीक है, 10 में 1 और 0 का इस्तेमाल हुआ है, तो 1 तो है, 0 भी क्या हो गया, अब संख्यांक बन गया। क्यों, क्योंकि इसने संख्या का निर्माण कर लिया। तो पूछा जाए सबसे छोटी संख्यांक क्या है, तो आप बताएंगे 0, ठीक है। और कुल संख्यांकों की संख्या कितनी होती है, 10 होती है। इस संख्यांक को ही अब हम प्रचलित रूप में हम अंक कहते हैं, अंक यानी कि डिजिट, ठीक है, प्रचलन रूप में अब डिजिट ही नाम आता है, संख्यांक हट चुका है। तो याद रखिएगा, अब चूंकि सीटेट में पूछा गया था, इस पे आधारित एक क्वेश्चन आया हुआ था, इसलिए ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। सबसे पहले विभिन्न सभ्यताओं में 1 से लेके 9 तक संख्याओं के लिए संकेत विकसित हुए थे। जैसे कि विभिन्न सभ्यताएं, जैसे कि मान लीजिए आप हिंदी में लिखते हैं, जैसे कि 1,
दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं कि कुल नौ तक, नौ ही तक तो अंक होते हैं, तो नौ जो होते हैं वो क्या पहले विकसित हुए थे, ठीक है। जैसे कि रोमन में देख लीजिए तो एक, दो, तीन, इस प्रकार से रोमन में भी कहाँ तक गया था, सबसे पहले नौ तक गया था। तो इस प्रकार देख रहे हैं कि विभिन्न सभ्यताएं जो आई उसमें सबसे पहले एक से लेकर नौ तक ही संख्याओं के संकेत विकसित हुए थे, जिन्हें हम संख्यांक के रूप में जानते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या लिखने की पद्धति, यानी कि अगर मान लीजिए बहुत सारे अंक दिए गए हों तो हम कैसे उन्हें सबसे बड़ी संख्या बना सकते हैं या फिर कैसे छोटी संख्या बनाते हैं, तो उसके लिए कुछ नियम दिए गए हैं। वो नियम सबसे पहला क्या है कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त करने के लिए शून्योत्तर, शून्योत्तर मतलब जो शून्य न हो, यानी कि शून्य को छोड़कर सभी अंकों को बाईं ओर से आरोही क्रम में लिखते हैं, ठीक है। क्या लिखने के लिए, छोटी संख्या, जैसे मान लीजिए हमारे पास है दो, चार, तीन, दो, ठीक है, दो नहीं, इसको हम पाँच कर लेते हैं। अब इसमें हमको सबसे छोटी संख्या बनानी है, तो कहा गया है शून्योत्तर को छोड़ के, इसमें कहीं शून्योत्तर संख्या नहीं है, सब शून्योत्तर संख्या है, कोई शून्य नहीं है। अब इन्हें क्या कहा गया है कि बाईं ओर से आरोही क्रम में, यानी कि इधर से हम आरोही क्रम में, आरोही यानी कि बढ़ते क्रम में, तो सबसे छोटा कौन है, दो है, उसके बाद से कौन है, तीन, उसके बाद चार और पाँच, इस प्रकार जो संख्या मिली है ये हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई, ठीक है। शून्य की दशा में बाईं से दूसरे स्थान पर शून्य लिखा जाता है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई अंक होता है जैसे कि तीन, चार, छः, एक, नौ, जीरो, अब इसको हमको बनाना है सबसे छोटी संख्या, तो नियम तो पता है कि बाईं ओर से आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में लिखते हैं, लेकिन इसमें शून्य आ गया ना, ये शून्योत्तर था लेकिन ये शून्य के साथ आया हुआ है, तो जब शून्य आ जाए तो बाईं ओर से जो हम संख्या लिखे, अंक लिखेंगे ना, उसमें जो दूसरा स्थान होगा वो शून्य के लिए होगा, तो शून्य के लिए हम रिजर्व कर देते हैं, तो पहला स्थान तो सबसे छोटी होगी, सबसे छोटी क्या है, एक है, उसके बाद से फिर अब यहाँ से बढ़ते क्रम में तो तीन, चार और नौ, इस प्रकार, सॉरी छः भी बचा हुआ है, छः, तो इस प्रकार जो संख्या प्राप्त हुई है वो हमारी सबसे छोटी संख्या है। कब, जब शून्य साथ होता है तो बाईं ओर से दूसरे स्थान पर शून्य को प्लेस कर देते हैं। पहले स्थान पे रखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः अंक है ना, तो संख्या छः अंकों की ना होकर पाँच अंकों की हो जाएगी। जैसे कि एक, जीरो, एक, तीन, चार, छः, नौ, तो जीरो को तो काउंट नहीं करते हैं, तो ये पाँच अंकों की हो गई ना, लेकिन हमें तो बनानी थी छः अंकों की, इसलिए शून्य को हम दूसरे स्थान पर प्लेस करते हैं। दिए गए अंकों को बाईं ओर से अवरोही घटते हुए क्रम में लिखने पर सबसे बड़ी संख्या प्राप्त होती है। जैसे मान लीजिए यही अगर हमारा अंक दिया गया होता और अब हमें बड़ी संख्या बनानी है, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए आपको बाईं ओर से अब घटता हुआ क्रम लेना है। अभी हम बढ़ता हुआ क्रम ले रहे थे, अब हमें घटता हुआ क्रम लेना है, तो सबसे बड़ी संख्या पाँच है, उसके बाद से चार है, फिर तीन है, फिर दो है। अब ये जो संख्या मिली है, इन अंकों से बनी जो संख्या है, ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है, ठीक है। लेकिन शून्य की दशा में क्या करना है, तो शून्य की दशा में याद रखना है शून्य को सबसे अंत में लिखते हैं। जैसे यहाँ अगर बनानी है तो सबसे बड़ा कौन है, नौ, फिर छः, फिर चार, फिर तीन, फिर एक, अब शून्य को सबसे अंत में रख देंगे, ठीक है। इस प्रकार जो संख्या बनेगी वो हमारी सबसे छोटी संख्या होगी, ठीक है। तो ये हमारी बड़ी और छोटी संख्या लिखने के कुछ नियम हो गए। अब देखते हैं सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या, कभी कभी प्रश्न पूछ देता है एक अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो एक अंकों से बनने वाली सबसे छोटी संख्या तो एक ही होगी। एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो गई, तो नौ हो गई। याद रखिएगा शून्य संख्या नहीं है, संख्या उसे कहते हैं जो गिनने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। दो अंकों की सबसे छोटी संख्या दस हो गई, दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या निन्यानवे हो गई, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या सौ हो गई, तीन अंकों की सबसे बड़ी संख्या नौ सौ निन्यानवे, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या एक हज़ार और चार अंकों की सबसे बड़ी संख्या नौ हज़ार नौ सौ निन्यानवे, ठीक है। यानी एक चीज़ कॉमन है, छोटी संख्या अगर लिखनी है तो पहले एक लिख दीजिए, और जितने अंकों का कह रहा है तो एक तो कंपल्सरी रहेगा, बाकी
उतने जीरो लगा दीजिए जितने अंक का कहा है। तो यहाँ तो फिलहाल एक ही अंक का कहा है, तो एक खुद एक अंक का है। अब यहाँ दो अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी है तो एक लिख दीजिए, बाकी शून्य लगा दीजिए, दो अंकों का हो गया। तीन अंकों का लिखना है तो एक लिख के दो शून्य लगा दीजिए। दस अंकों का लिखना है तो एक लिख के नौ शून्य लगा देंगे हम, तो दस अंकों की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। इसी प्रकार जब बड़ी संख्या लिखनी होती है तो जितने अंकों की बड़ी संख्या लिखनी होती है उतने हम नौ लिखते हैं। जैसे एक अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है तो एक नौ, दो अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है तो दो नौ, तीन अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है तो तीन नौ, और चार अंकों की बड़ी संख्या लिखनी है तो चार नौ। अब चलते हैं स्थानीय मान पर, यानी कि प्लेस वैल्यू, इसको समझते हैं। किसी संख्या के प्रत्येक स्थान के संगत अंक का मान अलग अलग होता है, इसे ही उस दिए गए अंक का क्या कहते हैं, स्थानीय मान कहते हैं। इसको हम अच्छे से समझेंगे एग्जांपल के थ्रू। जैसे कहा गया है कि संख्या 3777 में सात के स्थानीय मान अलग अलग हैं, कैसे, तो इसको समझते हैं। हम पहले क्या कर रहे हैं, संख्या को लिख देते हैं। ये बताइए, ये इकाई का स्थान है, ये दहाई का स्थान है, ये सैकड़े का स्थान है, और ये हजार का स्थान है। तो इकाई मतलब क्या होता है, एक, तो सात में एक का गुणा करने पे इकाई का स्थान मिला होगा। दहाई का मतलब दस, यानी कि इसी सात में दस से गुणा करने पर दहाई का स्थान मिला होगा। हजार मतलब एक हजार, तो सात से एक हजार से गुणा करने पर मिला होगा, सॉरी ये सैकड़े का स्थान है तो सौ से गुणा करने पर मिला होगा। और हजार वाले प्लेस की बात करें तो तीन गुणे हजार लिखेंगे। अब देखिए, यहाँ मिला सात, यहाँ मिला सत्तर, यहाँ मिला सात सौ, और यहाँ मिला तीन हजार। तो हमें सात के स्थानीय मान देखने हैं ना, तो देखिए जब इकाई के स्थान पे है तो इसका स्थानीय मान क्या हो रहा है, सात हो रहा है। लेकिन जब वही सात दहाई के स्थान पे जाता है तो सत्तर हो जाता है, और सैकड़े के स्थान पे जाता है तो सात सौ हो जाता है। तो देख रहे हैं ना कि एक ही अंक का स्थान के आधार पर क्या हो रहा है, मान बदल जा रहा है। तो जिस स्थान पर जो अंक उपस्थित होगा वह स्थान के साथ ही उसका क्या कहलाएगा, स्थानीय मान कहलाएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसको हम आगे चल के और क्वेश्चन से देखने वाले हैं और आसानी से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कहा है कि 636 में तीन का स्थानीय मान बताइए। तो तीन देखिए इकाई और दहाई, दहाई के स्थान पर है तो दहाई मतलब होता है दस, यानी कि तीन गुणे दस कर देंगे, यानी कि दस तिया तीस, तो आंसर कितना हो जाएगा, तीस। फिर क्वेश्चन है कि 557 में पाँच के स्थानीय मानों का अंतर, तो सबसे पहले तो हम 557 लिख देते हैं। इस पाँच का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, चूंकि ये दहाई के स्थान पे है तो दहाई का मतलब होता है दस, यानी कि ये हो गया पचास। अब इस वाले पाँच का स्थानीय मान, चूंकि ये सैकड़े के स्थान पर है तो इसलिए ये हो गया 500। अब पूछा है अंतर, तो अंतर याद रखिएगा हमेशा बड़े वाले में से छोटा वाला घटाते हैं, तो 500 में से 50 निकाल देंगे तो कितना बच जाएगा, 450। तो 557 में जो पाँच के स्थानीय मान है उनका अंतर कितना आ रहा है, 450। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, अंकित मान। अंकित मान को हम कहते हैं फेस वैल्यू। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि जो वैल्यू अपने फेस से अपना वैल्यू बता दे, या फिर जो अंक फेस से अपनी वैल्यू बता दे वही उसका क्या कहलाता है, अंकित मान कहलाता है। जैसे समझने को हम समझते हैं, जैसे ये बताइए अगर ये एक लिखा है तो क्या हम कभी इसको दो कह सकते हैं, नहीं। यानी ये एक है तो ये एक ही बोला जाएगा ना, यही उसका अंकित मान है, यानी एक का अंकित मान एक ही होगा। अगर यहाँ नौ लिखा है, नौ लिखा है तो इस अंक को क्या कभी आठ सात या दस कह सकते हैं, नहीं कह सकते। इसलिए नौ को हमेशा नौ ही कहेंगे, इसलिए नौ का अंकित मान क्या हो जाएगा, नौ हो जाएगा, क्योंकि इसके हम फेस से पहचान रहे हैं कि इसका वैल्यू कितना है, इसको भी हम फेस से पहचान रहे हैं इसकी वैल्यू कितनी है। तो कहा जाता है कि किसी अंक का खुद का मान अंकित मान कहलाता है, यानी कि किसी अंक का अंकित मान सभी जगह क्या होता है, समान होता है, यानी नौ को हम हमेशा नौ ही कहेंगे, कभी वो दस नहीं बन सकता। तो आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। जैसे एग्जांपल के थ्रू समझ लीजिए, जैसे हमने ले लिया 365, अगर इसमें कहें कि 6 का अंकित मान क्या होगा, तो 6 को तो हमेशा 6 ही कहेंगे, तो अंकित मान कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर कहता कि 3 का अंकित मान कितना होता, तो 3 को भी तो हमेशा 3 ही कहेंगे ना, तो अंकित मान कितना हो जाता, 3 हो जाता। लेकिन अगर 3 का स्थानीय मान कहता तब,
तब तीन में क्या करते, 100 का गुणा करते, वो कितना बन जाता, 300। तो स्थानीय मान 300 है लेकिन अंकित मान क्या होगा, 3 होगा। तो किसी अंक का अंकित मान सभी जगह क्या होता है, एक समान होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे पूछा है कि संख्या 5473 में 4 का अंकित मान है, तो अंकित मान कहा है, तो 4 का अंकित मान तो हमेशा 4 ही होगा, इसलिए आंसर 4 वाला करेक्ट हो जाएगा। अब पूछा है कि संख्या 7689 में 7 का अंकित मान बताइए, तो 7 का तो अंकित मान 7 ही होगा। हमने कहा है कि किसी अंक का अंकित मान जो होता है वो सभी जगह समान होता है, यानी कि खुद की वैल्यू होती है, तो 7 का 7 हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेट और सीटेट के लिए। जैसे कहा गया है कि संख्या 6542 में 5 का स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर बताइए, तो हमें तो सबसे पहले स्थानीय मान और अंकित मान निकालना होगा। तो देखिए 5 का अगर हम अंकित मान की बात करें तो 5 का अंकित मान तो 5 ही होगा, लेकिन इसी 5 का अगर स्थानीय मान कहते तो 5 में उस स्थान से गुणा कर देते, तो किस स्थान पे है, तो इकाई, दहाई और सैकड़ा, यानी कि 100वें स्थान पे है, तो कितना बन गया, 500। अब अंतर पूछा है तो बड़े वाले में से छोटे वाले को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ये हो जाएगा 495। तो 495 क्या है, स्थानीय मान और अंकित मान में अंतर है, तो 495 हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, उत्तरवर्ती एवं पूर्ववर्ती संख्या, ठीक है, इसको हम जान समझेंगे, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले उत्तरवर्ती, प्राकृतिक संख्या में एक जोड़ने पर उसकी अगली संख्या प्राप्त होती है, जैसे कि मान लीजिए अगर 3 है, 3 में हम एक जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। इसी प्रकार 4 में एक जोड़ेंगे तो क्या मिल जाएगा, 5 मिलेगा। यानी कि हम प्राकृतिक संख्याओं में जब एक जोड़ रहे हैं तो उसकी अगली संख्या प्राप्त होती है ना। तो कहा जाता है कि अगर किसी कोई संख्या दी गई है, एक जोड़ने पर उसकी अगली संख्या मिलती है, तो प्राप्त संख्या को दी गई संख्या की उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। यानी कि 3 की उत्तरवर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। और उत्तरवर्ती संख्या का एक और नाम है अनुवर्ती संख्या। तो अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या क्या होगा, तो दी गई संख्या में एक जोड़ने पर अगली संख्या प्राप्त होए, वही हमारी क्या होती है, उत्तरवर्ती या अनुवर्ती संख्या होती है। जैसे पूछा गया है कि 4 की उत्तरवर्ती संख्या क्या है, तो 4 में एक जोड़ के बता देंगे कितनी हो जाएगी, 5। 15 की उत्तरवर्ती संख्या क्या है, तो 15 में एक जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। तो उत्तरवर्ती और अनुवर्ती संख्या उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गई होगी, तो चूंकि दोनों नाम एक ही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, पूर्ववर्ती संख्या। जैसा कि नाम में स्पष्ट है, पूर्व यानी कि पहले, ठीक है, पहले, और अवर्ती यानी कि जो आए। तो किसी प्राकृतिक संख्या के ठीक पहले वाली संख्या दी गई संख्या की क्या कहलाती है, पूर्ववर्ती संख्या। यानी कि इसमें एक घटाने पर प्राप्त होता है, एक घटाने पर क्या प्राप्त होता है, पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त होती है। जैसे कि 11 की पूर्ववर्ती संख्या पूछा गया है, तो 11 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, 11 में से एक घटा देंगे कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। जैसे कि 123 है और 123 में हम एक घटा दें तो क्या मिलेगा हमको, 122 मिलेगा। तो 123 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो गई, 122। अगर यही अनुवर्ती संख्या पूछता तो इसमें एक जोड़ते 124 हो जाता, ठीक है। तो खैर यहाँ पूर्ववर्ती संख्या कितनी हो गई है, 122। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, कहा गया है कि 79 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। तो अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या एक जोड़ने पर प्राप्त होती है, तो 79 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। ऐसे ही पूछा गया है 100 यानी कि 100 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। पूर्ववर्ती यानी कि एक ठीक पहले होता है, तो 100 के ठीक पहले क्या आता है, 99 आता है। ऐसे ही पूछा गया है कि 1005 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या बताइए। तो 1005 की अनुवर्ती यानी कि बाद की संख्या, तो 1005 में एक जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 1006 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या आपको समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार जैसे ये अगला क्वेश्चन है कि 99,999 की पूर्ववर्ती यानी कि इससे ठीक एक पहले, तो 9 ये आखिरी वाले अंक से घटा देंगे, एक घटा देंगे तो 8 हो जाएगा, तो ये वाली हमारी ऑप्शन सही हो जाएगी, 99,998। यहाँ 99 था, यहाँ 98 हो गया,
ठीक है। अब पूछा है कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या है, आपके सामने ऑप्शन है, तो याद रखिएगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक होती है। अगर हम मान लेते हैं कि 100 हमारी सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें एक जोड़ेंगे तो 101 मिल जाएगा। अगर हम कहते हैं 1000 सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है, तो इसमें भी तो एक जोड़ने पर अगली संख्या मिल रही है। तो इस प्रकार ये स्पष्ट होता है कि अगर कोई प्राकृतिक संख्या अगर हम मान ले कि सबसे बड़ी है, उसमें एक जोड़ने पर उससे अगली प्राकृतिक संख्या मिल जाएगी, यानी कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसलिए ऑप्शन हो जाएगा कोई नहीं।